हेलो गाइस, मेरा नाम सम्राट सिंह है और ये मेरा फ्रेंड सिद्धार्थ। तो आज हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ। हमारा बहुत दिनों से मन था कि हम खुद कहीं जाएं, लॉन्ग टूर पे जाएं, कुछ करें। बिकॉज अभी मैंने नई बाइक ली अपनी बुलेट, तो थोड़ा रहता ही है कि थोड़ा घूमना है, नई नई जगह जाना है ना। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ और अभी हम रात के हमारे 8:30 बज रहे हैं और हमको आज ही ऋषिकेश तक पहुँचना है 3 बजे तक। हम वहाँ से फिर 3 घंटे रेस्ट करके फिर हम मॉर्निंग में 6 AM हम वहाँ से निकल जाएंगे, है ना, केदारनाथ के लिए। मैं आपको अपनी नई बाइक दिखा देता हूँ जो मैंने ली है, जिसके साथ हम जा रहे हैं। तो गाइस, ये मेरी न्यू बुलेट है और मैं आज इसी के साथ ही जाने वाला हूँ केदारनाथ। तो देखते हैं कि कैसा रहता है। फर्स्ट लोग है, पहली बार लाइफ में इतना लंबा डिस्टेंस 2-व्हीलर से कवर करने जा रहा हूँ मैं। तो चलो, भोले की कृपा, देखते हैं क्या होती है आज। भाई, हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और अभी हम चाय पीने के लिए रुके हैं। ये हमारी जेसवाल्टी स्टॉल। तो फाइनली हम दिल्ली से ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा ठंड है और अभी रात के 3:10 हो रहा टाइम और वन वे रोड है। काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे चल रहा है, इस वजह से थोड़ा स्पीड भी गाड़ी की कभी स्लो कभी फास्ट, कभी स्लो फास्ट स्लो फास्ट। और रात में वैसे भी ज़्यादा तुम स्पीड में गाड़ी चला नहीं सकते क्योंकि वन वे रोड है और सामने से फिर गाड़ियाँ आती है काफ़ी सारी। तो अभी जिस हम रूम में रुके हैं, इसका प्राइस 1500 है पर नाइट। और यहाँ के मैं आपको सुबह दिखाऊँगा कि यहाँ से फिर सीधा गंगा व्यू दिखता है और काफ़ी पहाड़ हैं यहाँ पे जो आपको सीधा दिखेंगे। बाकी अभी हमने चाय पी थी तो उन्होंने हमको बताया कि वहाँ पे केदारनाथ में जहाँ हम जाने वाले हैं मॉर्निंग में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ पड़ी है 2-3 दिन में सडनली, और अभी भी पड़ी ही नहीं रही है वहाँ पे बर्फ। तो आई थिंक ये काफ़ी ठंड होने वाली है वहाँ पे। और कपड़े तो क्या रहे, बाकी गाड़ी है कल जाके पता लगेगा। बाकी आज का एक्सपीरियंस जो था हमारा सफ़र का, वो काफ़ी बेस्ट था। भोले बाबा हमारे साथ हैं पूरा। और अभी हम आ रहे थे तो एक पूरा जंगल, जब हम हरिद्वार क्रॉस करते तो जिनको पता हो उन जानते होंगे कि हरिद्वार क्रॉस करने के बाद में ऋषिकेश आते तो बीच में जंगल पड़ते हैं। तो वहाँ पे एक आदमी था और उसके 2 गैंग के बंदे थे, तो हम लोग बाइक पे थे तो वो लोग हमको हाथ दे रहे थे रोकने के लिए, बट हमने रोकी नहीं गाड़ी, मैंने रोकी नहीं। मेरा फ्रेंड्स बोल रहा था कि गाड़ी पत रोकी चाहे कुछ भी हो जाए क्योंकि ये लोग छीना झपटी या फिर मतलब वही छीन लेंगे आपके, जो आपके मनी वगैरह सब छीन लेंगे, मोबाइल वगैरह, गन दिखा के, चाकू दिखा के, बहुत सारे चीज़ें होती हैं इनके पास में। तो लाइफ में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। बाकी मैं काफ़ी आ चुका हूँ, बस ब्लॉग पहली बार बना रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम है जो रास्ते में चोर मिल गए हमको और बस हम लोग आ गए। फिलहाल बाबा की कृपा है पूरी पूरी। बाकी गाइस, कल मिलते हैं। कल का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कह रहे हैं कि बर्फ़ पड़ रही है
काफ़ी ठंड भी होगी और गाड़ी का मज़ा, टू व्हीलर का मज़ा पहाड़ों पे, वो तो कल ही आपको पता लगेगा, मुझे भी पता लगेगा कि हमारे भी पहले ही है। तो गाइस मिलते हैं कल आपसे, बाय बाय।